नमस्कार, मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस, जो कि प्लस टू के जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे बोर्ड्स का अगले साल और जो नीट का एग्ज़ाम देंगे 2020 में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रिव्यू चल रहा है, तो इसमें आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन डायग्राम्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी। मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और मैं पिछले 9 सालों से ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर्स पे नीट की कोचिंग दे रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने आज तक मेंटर और गाइड किया है और उनमें से एक बहुत बड़ा चंक, जो परसेंटेज है, वो आज मेडिकल कॉलेज की सीटों पे विराजमान है और अभी भी वो मुझे कॉल्स और मैसेजेस करते हैं बताने के लिए कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप मेरी क्लासेस अटेंड करने के बाद आप लोग भी उन्हीं बच्चों में से होंगे और मुझे बताएंगे कि हाउ यू आर डूइंग एट योर मेडिकल कॉलेजेस। हाँ जी, सो द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन द गोल्स एंड नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। ये सब उन बच्चों के लिए मैंने लिख के रखा है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के हो जाएगा क्या? मैम मेरे को बहुत सारा परेशानी है लाइफ में, नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों के लिए मैंने बताया, वैसे तो मैं अपना पूरा सिलेबस अनअकैडमी प्लस पे कराऊंगी, ठीक है? तो जहाँ पे आप प्लस वन प्लस टू पूरा मैं तुम्हें लर्न करा दूंगी बायोलॉजी, पर जो बच्चा सिर्फ यूट्यूब के सहारे भी है वो भी हिम्मत नहीं हारेगा। प्रॉब्लम्स नहीं देखनी है हमने, हमें अपने मकसद पे लगे रहना है। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, 5 महीने रह गया है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे उसको फॉलो करना है, उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है और मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं कमेंट सेक्शन में या लाइव क्लास में, जैसे भी आपको सही लगता है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, पूरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे आप, जिसपे कि आप हमसे क्वेश्चंस पूछने का तो शायद आपको वहाँ पर राइट नहीं होता, बट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा या टीचर्स जो भी अपने बच्चों को कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेजेस आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये ज्वाइन करना। अनअकैडमी प्लस के बारे में जैसे मैं बता रही थी, यदि आप नीट के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, क्योंकि इससे आपका करियर बनने के एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट ओपन हो जाता है। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के बेस्ट 40 टीचर्स इस वक्त टीच कर रहे हैं, एक से एक धुरंधर बैठे हैं जो कि अपना नॉलेज वहां पे इम्पार्ट कर रहे हैं। उनमें से एक टीचर मैं भी हूं जो कि अपना पूरा सिलेबस वहां पे पढ़ाऊंगी और मैं तुम्हें लर्न करा दूंगी पूरा एनसीईआरटी प्लस वन और प्लस टू का, क्योंकि इतना वहाँ पे क्लासेस होता है, इतना रिवीजन सेशंस होता है, इतने टेस्ट्स होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए। तो तुम्हारा जो 50% भार है नीट का, क्योंकि 50% सिलेबस बायोलॉजी है, वो मैं हल्का कर दूंगी। तुम्हें ये लगेगा कि बायोलॉजी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी हमारे पास बहुत बढ़िया टीचर्स हैं जो तुम्हें वहाँ पे हेल्प करेंगे। साथ में तुम्हें मिलता है टेस्ट सीरीज। अगर तुम 720 नंबर के टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहे हो, अब तुमने शुरू नहीं किया, तो तुम्हारे नीट की तैयारी में एक बहुत बड़ा बच्चों फ्लॉ है, ठीक करेंगे। किसी ने तुमको नहीं बताया अभी तक तो मैं बता रही हूँ, 720 नंबर के टेस्ट देना शुरू करो ताकि तुम्हें 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस करने की आदत पड़ जाए, ठीक है? नहीं शुरू किया है, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर संडे टेस्ट होगा ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तुम्हारे मार्क्स 550 के ऊपर आने चाहिए 720 वाले टेस्ट में से, तब तुम्हारी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। ये सब पाने के लिए तुम्हें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ये ऐप का नाम लिखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करोगे तो यहाँ नीचे सबसे नीचे प्लस का साइन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो। फिर नीट एंड एम्स का साइन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो। फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। यदि नीट 2020 तुम्हारा ऑप्शन है तो 6 महीने वाले सब्सक्रिप्शन पॉइंट पे क्लिक करोगे, क्योंकि अब 6 ही महीने का समय बचा है 2020 एस्पिरेंट्स के लिए। यदि तुम प्लस वन के स्टूडेंट हो तो 1 या 2 साल का ऑप्शन चूज कर सकते हो। 6 महीने की फीस 24,000 रुपीज़ है और 1 ईयर की फीस 30,000 रुपीज़ है। इतनी कम फीस होने के बावजूद हम इसको और कम करने का एक तरीका बताते हैं आपको। एक कोड डालो, मान लो आपने 1 ईयर पे क्लिक किया या 6 मंथ पे क्लिक किया, 1 ईयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 30,000 दिखेगा फीस, इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे कोड के लिए जगह होगी, ये कोड डालो, रितु इज माई नेम एंड लाइव बिकॉज आई टीच लाइव देयर, एवरीथिंग आई टीच, छोटे से छोटी चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट और कम से कम इम्पॉर्टेंट सब कुछ मैं तुमको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। ये कोड डालते ही तुम्हें मेरी तरफ से फीस में 10% की रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी, साथ में ही तुम्हें मेरे नोट्स मिलेंगे।
मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलने का मतलब है आप बहुत कुछ इजीली लर्न कर पाएंगे क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं। प्लस मैं नवंबर में क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ बायोलॉजी का, जिसमें मैं विद इन फ्यू मंथ्स आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी और सब कुछ लर्न करा दूंगी। उस क्रैश कोर्स में सीट्स हैं सिर्फ 50, तो पहला 50 बच्चा जो ये कोड यूज़ करेगा उसको मेरे क्रैश कोर्स में सीट मिलेगी। और ये क्रैश कोर्स करने से आप बायोलॉजी के लिए निश्चिंत हो सकते हैं नीट पर्सपेक्टिव से। सो ये कोड डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें आपकी मर्जी है, परंतु नवंबर में क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, अभी यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये चीज़ का फ़ायदा मिलता है। चलिए एनसीईआरटी में ओजेनेसिस पे पहुंचे हैं हम लोग। बच्चों कैसे हो, हेलो एवरीबॉडी। चलो एनसीईआरटी के हेलो हाय नमस्ते, तुम लोगों को नमस्ते करना भूल गई थी मैं। चलो एक घंटे का सेशन है, पहले ख़त्म कर दूंगी अगर ओजेनेसिस पहले ख़त्म हो गया तो, परंतु एक एक बात दिमाग में पढ़नी चाहिए क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये सिलेबस बहुत ज़्यादा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ओजेनेसिस होता क्या है, हालांकि मैं एक क्लास ले चुकी हूँ ओजेनेसिस की, तो जो बच्चे ने नहीं देखा है वो क्लास लगा लेगा, परंतु जिसने नहीं भी लगाया तो मैं कुछ बातें सिखा देती हूँ। ओजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ओ मतलब एग या ओवम, ओवम की फॉर्मेशन को ओजेनेसिस कहते हैं। ओवम की फॉर्मेशन फीमेल की बॉडी में होगी, फीमेल की किस पार्ट में होगी, ओवरी में होगी। ओवरी कहाँ पे है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये दूसरी फेलोपियन ट्यूब है और ये हमारी ओवरी है। ओवरी के अंदर एग्स का प्रोडक्शन होगा। एग्स का प्रोडक्शन ओजेनेसिस कब से स्टार्ट हो जाता है, मैंने पिछली बार बताया था, जब एक बच्ची अपनी मम्मा के वूम्ब में है, अपनी मम्मा के वूम्ब में जब वो है तब से ओजेनेसिस स्टार्ट कर देती है। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है, ये कल भी बताई थी। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब से स्टार्ट होता है, जब मेल 13 साल का होता है प्यूबर्टी के समय, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है। वो 13 साल से पीछे आओ 10 साल, फिर उससे पीछे आओ 5 साल, फिर उससे पीछे आओ जब बच्ची पैदा हुई है, अब उससे पीछे आओ जब वो मम्मी के वूम में, जब वो फीटल स्टेज में है तब से ओजेनेसिस स्टार्ट कर देती है वो। ठीक है, ये वाली बात मैंने तुम्हें कल बताई थी। अभी ओजेनेसिस के कुछ स्टेप्स हैं जो मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगी, पर ये देखो ये ओवरी का एक बहुत इनलार्ज सेक्शन में लेके आई हूँ। ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं, अंदर वाला पार्ट होता है मेड्यूला जिसमें तुम्हें ब्लड वेसल्स नज़र आ रही है, और बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स। ये चीज़ लर्न हो गई है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला को मिला के स्ट्रोमा बोलते हैं। ये पूरा पार्ट अंदर ये स्ट्रोमा है। ठीक है, कॉर्टेक्स में छोटी छोटी फॉलिकल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, फॉलिकल्स जिनके अंदर ओवम डेवलप हो रहा होता है। ये फॉलिकल्स कब डेवलप होती हैं, पिछली क्लास का याद है, ये मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ अभी, पहले अपने को सीखना है। पिछली क्लास का याद है सबसे पहले क्या हुआ था, सेल थे ओवरी के अंदर, याद करो बच्चों पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, ओवरी के अंदर देयर वर स्पेसिफिक सेल्स इन द कॉर्टेक्स विच वर द जर्म सेल्स, इनको बोलते थे ऊगोनियम, कॉर्टेक्स में, है ना। मैं फॉलिकल बनने की प्रक्रिया सिखा रही हूँ, पिछली बार भी सिखाई थी, दोबारा सिखा रही हूँ। तुम्हारा ना क्विज लिया करूँगी हर क्लास के बाद, मैं ये सोच रही हूँ, दिस इज़ माई न्यू आइडिया, कि हर क्लास के बाद तुम्हारा एक छोटा सा क्विज हो जाए 4-5 क्वेश्चंस का, कि इस क्लास में जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें समझ में आया है कि नहीं आया है। आई थिंक इससे तुम्हारा ध्यान भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा क्लास में, है ना। देखो यहाँ पे ओगोनियम होते हैं, अब ये बच्चे की बात हो रही है, फीटल ओवरी है ये, दिस इज फीटल ओवरी, फीटल ओवरी, फीटस की ओवरी है। ठीक है, ओगोनियम में ये जो सेल्स हैं इनको ओगोनियम कहते हैं। ओगोनियम आर स्टेम सेल्स जो कि 2m है, है ना। अब इनके अंदर ओवम बनने का प्रक्रिया स्टार्ट कर दें हम फीटल स्टेज में ही। ओगोनियम में माइटोसिस होता है, ये मैंने कल बता दिया था, ओगोनियम में माइटोसिस होता है।
अब इसको बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट, है कुछ नहीं, माइटोसिस से सिर्फ नंबर बढ़ जाएगा, पहले ये कम था अब ये माइटोसिस करके थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये लो माइटोसिस करके और आसपास सेल बन गए इसके, है ना। तो ये जो ब्लू वाले इसको बोलेंगे प्राइमरी प्राइमरी ओसाइट। कल बात हो गई थी तो भैया नेचर बहुत हैरान परेशान है, भाई अभी तू फीटस है, तू पैदा भी नहीं हुई है और तू ओजेनेसिस कर रही है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो नेचर इसको कहती है भाई रुक जा, स्टॉप, यू कैन नॉट डू ओजेनेसिस। पर ये हटती नहीं है, अभी क्या है माइटोसिस के बाद ये मियोसिस शुरू कर देती है यहाँ पे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मियोसिस वन शुरू ही करती है परंतु स्टॉप कर दी जाती है, मियोसिस वन में पैर ही रखा होता है परंतु स्टॉप कर दी जाती है एट प्रोफेस वन, ये भी कल बात बताई थी। प्रोफेस वन तो प्राइमरी ओसाइट को भी प्राइमरी ओसाइट ही कहते हैं क्योंकि मियोसिस वन पूरी नहीं हो पाई, प्राइमरी ओसाइट ही रहता है ये, और प्राइमरी ओसाइट के पास 2n, ठीक है। अब प्राइमरी ओसाइट हटता नहीं, प्राइमरी ओसाइट कहता है ऐसे कैसे मुझे रोक लिया मियोसिस करने से, तो प्राइमरी ओसाइट क्या करता है अपने आसपास कुछ यहाँ पे कुछ सेल्स की ऐसे लेयर बना लेता है, आसपास वाले सेल्स की, यहाँ पे ये कॉर्टेक्स है ना, तो कॉर्टेक्स के सेल्स की लेयर यहाँ पे ऐसे डेवलप कर लेता है अपने पास, तो ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाती है, ये पूरी चीज़ जो है वो प्राइमरी फॉलिकल कहलाती है। ये फीटल स्टेज में ही बन जाती है ना, ये भी कल बताया था, इतनी बात याद है बच्चों, जो कल बताई थी वो बातें याद है। हाँ जी, जो कल बातें बताई थी, मुझे तुम्हारी लाइव चैट नहीं नजर आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कल बातें बताई थी वो याद है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है। तो अभी फीटल ओवरी में बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स पड़ी हैं, प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलप नहीं होंगी, प्राइमरी फॉलिकल नहीं, अब फीटस का जन्म हो जाएगा। जब फीटस का जन्म हो गया और प्यूबर्टी तक, अब ये बच्ची एक साल की हुई, दो साल की हुई, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, जब ये 13 साल की हुई तो उसके बाद अब प्राइमरी फॉलिकल्स आगे डेवलप करेंगी। पैदा होने से 12-13 साल के बीच में कुछ भी नहीं होगा, प्राइमरी फॉलिकल का प्राइमरी फॉलिकल ही पड़ा रहेगा, ये बात हमने याद रखनी है। अब ये डायग्राम जो दिखाया है ये प्यूबर्टी के बाद का दिखाया है, ये देखो ये एक प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलप हुई प्यूबर्टी के बाद, सो यहाँ पे प्यूबर्टी के बाद की बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर ये टर्शरी फॉलिकल में ऐसे ऐसे बनती रहती है, और ये घूम नहीं रही है, ये ऐसे अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रही है, ये सिर्फ स्टेजेस दिखाने के लिए हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये ओवरी को दिखाया हुआ है कि फॉलिकल्स कैसे ग्रो करती हैं ओवरी में। तो इस डायग्राम का ये मतलब नहीं लेना है कि फॉलिकल मूव कर रही है इधर इधर इधर, आज इसकी डेवलपमेंट स्टेजेस मुझे पढ़ानी है तुमको, आओ सीखते हैं। प्राइमरी ओसाइट बन गया, अब उससे आगे की बात करते हैं, आओ। प्राइमरी ओसाइट में प्राइमरी फॉलिकल बन गई है, आओ देखते हैं। दिस इज प्राइमरी ओसाइट, दिस इज प्राइमरी ओसाइट, ये फीटल ओवरी की बात है, ये फीटल ओवरी की बात है। यहां पे इन सेल्स को क्या कहेंगे, आदित्य सिन्हा ने बिल्कुल सही कहा था, यहां पे जो सेल्स बन गए हैं इस तरीके से, इनको बोलते हैं ग्रैन्यूलोसा सेल्स, ग्रैन्यूलोसा सेल्स। अब यहां पे बच्चे का जन्म हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाती है, ठीक है। बच्चे के जन्म से प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होता, प्यूबर्टी तक कोई ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि यहां पे फॉलिकल्स डीजनरेट होती हैं, बताया था ना, फॉलिकल्स यहां पे धीरे धीरे डीजनरेट होती हैं, पहले ये मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होती हैं हर ओवरी में, प्राइमरी फॉलिकल, पर यहां पे डीजनरेट होती रहती है, अल्टीमेटली प्यूबर्टी तक कितना फॉलिकल बचता है, 60-80,000 फॉलिकल्स पर ओवरी बचता है, ठीक है। अभी देखो, आज मुझे अपना लेक्चर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करना था, ये तो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर तुम्हें इसमें कोई बात नहीं समझ में आई ना,
तो एक बार बच्चों पुराने वाला लेक्चर रेफर कर लेना, वो तो मैं तुम्हारा रिवीजन करा रही थी जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। नहीं समझ में आई, मैं समझ सकती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैंने यहाँ तक पढ़ा लिया, तो तुम एक बार पिछले वाला लेक्चर रेफर करो, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ से प्यूबर्टी से आगे तक की बात बताऊँगी। प्यूबर्टी से आगे हॉर्मोन्स रिलीज होने लगेंगे बॉडी में, GnRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, ठीक है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन। फिर वो कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन LHFSH, और वो जाके अब ओवरी पे एक्ट करेंगे। अब ओवरी पे प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, देखो कुछ चेंजेस आते हैं। ये प्राइमरी ओसाइट का प्राइमरी ओसाइट ही, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। मियोसिस वन रुक गई थी इसकी, अभी भी मियोसिस वन रुकी हुई है, मियोसिस वन के प्रोफेस वन में रुका ही हुआ है ये, अभी ये आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। एक चेंज इसमें ये आता है कि जो ग्रेनुलोजा लेयर होती है ना, वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है। जैसे पहले तो सिर्फ एक ग्रेनुलोजा लेयर थी ऐसे, अभी ये मल्टी लेयर्ड हो गई ऐसे, पहला चेंज ये आता है ऐसे, ठीक है। दूसरा चेंज ये आता है कि अभी देखो आसपास स्ट्रोमा के सेल्स हैं, ओवरी में ही हो रहा है ना, ओवरी में स्ट्रोमा है साइड साइड में, तो स्ट्रोमा की सेल्स की एक लेयर इसके आसपास ऐसे चिपक जाती है, जिसको थीका सेल्स कहते हैं या थीका लेयर। ऐसे क्या बोला मैंने, प्राइमरी फॉलिकल जो कि फीटल स्टेज में बन गई थी, अब उसका सेकेंडरी फॉलिकल बनाना है जो कि प्यूबर्टी के बाद बनेगा, तो कुछ चेंज आएगा। प्राइमरी ऊ साइट में कोई चेंज नहीं आया है, मियोसिस वन कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बाहर बस ग्रेनुलोजा सेल में चेंज आ गया है, मल्टी लेयर्ड हो गई है ग्रेनुलोजा लेयर, मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स एंड सेकेंड थीका सेल्स बन गए हैं। सो ये बन गया है सेकेंडरी फॉलिकल, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तुमको ये बोर्ड में बनाने के लिए आएगा तो देख लो कैसे बनाना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से आगे डेवलपमेंट होती है, देखो कुछ स्टेजेस होती है, मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। प्राइमरी से सेकेंडरी बनाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी बनाएंगे, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे, चार स्टेजेस पढ़ेंगे। प्राइमरी बनानी आ गई, सेकेंडरी बनानी आ गई, अभी टर्शरी और ग्राफियन बनानी है। देखो कुछ चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी से ये टर्शरी फॉलिकल है जिसका मैं डायग्राम लेके आई हूँ, सेकेंडरी से टर्शरी बनाने में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। दिस इज द, यहाँ पे लिख रही हूँ टर्शरी फॉलिकल, आई होप ये विजिबल है तुम लोगों को, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियोस का पर्पज़ ये है बेटा जी कि तुमको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके 2-3 लाख रुपया नहीं देना पड़े, तुमको सब कुछ यहीं पे ही समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत 10,000-20,000 कोई फीस नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ऐसा ना फील हो कि जो बच्चा 2-3 लाख रुपया दे सकता है, सिर्फ वही डॉक्टर बनने लायक है, बाकी तुम लोग जो बाकी हो दे आर नॉट capable of becoming doctors, ऐसा नहीं feel होना चाहिए। So it's a good initiative by Unacademy and you should appreciate it by sharing these videos जितना हो सके, by showing your love towards our videos। वैसे तो बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का हम लोगों को, आप लोग लाइक करेंगे हमारी वीडियोज़ तो हम लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा, वी विल नो दैट यू आर एक्चुअली लाइकिंग अवर वीडियोज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा चैनल ग्रो करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी नो दैट हमारे एफर्ट से आप लोगों को फायदा हो रहा है। ओके सी, देखो और एक और तरीके से मुझे पता चलेगा कि एफर्ट से फायदा हो रहा है, जब तुम लोगों के नंबर्स अच्छे आने लग जाएंगे, जब तुम्हारा घर नीट क्रैक होने लग जाएगा। सो प्लीज़ बताते रहा करो कमेंट सेक्शन में, कोई बेटर कर रहा है, किसी क्लास में बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, कोई क्लास टॉप करने लगा है तो बता दिया करो, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। ओके प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी में कुछ चेंजेस आएंगे। पहली बात तो मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा, सबसे पहली बात, मियोसिस वन कंप्लीट हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूं, मियोसिस वन से, इसको इस डायग्राम को छोड़ दो, मियोसिस वन से देखो प्राइमरी ओसाइट था,
प्राइमरी ओसाइट था, जब इसमें मियोसिस वन पूरी हो जाएगी, तुम लोगों को पता होना चाहिए मियोसिस वन के बाद दो सेल्स बनते हैं, फिर मियोसिस टू के बाद उन दो के चार सेल बनते हैं. तो मियोसिस वन के बाद एक्चुअली में यू विल सी टू सेल्स हियर लाइक दिस. प्राइमरी ओसाइट कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे. इधर देखो, प्राइमरी ओसाइट 2n होता है. जब ये आगे मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा तो ये n बच जाएगा, सिर्फ n. मियोसिस वन इज रिडक्शनल डिवीजन. इनको कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट. सेकेंडरी ओसाइट. सिर्फ एक दिक्कत है कि ये जो दोनों सेल्स बनते हैं ये इक्वल नहीं बनते हैं. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में याद करो, एक स्पर्मेटोगोनियम से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था माइटोसिस से, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, है ना. तो चार स्पर्म बनते हैं बेसिकली एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से. फीमेल्स में ऐसे नहीं होता. फीमेल्स में एक प्राइमरी ओसाइट से एक ही ओवम बनता है. तो ये दो सेल्स ना एक्चुअली में इक्वल नहीं बनते. ये जो दूसरा सेल है ये थोड़ा छोटा और बिल्कुल बीमार, और मतलब बीमार तो क्या, कमजोर और ऐसा बनता है. इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि आगे जाके डीजनरेट हो जाती है. फर्स्ट पोलर बॉडी, समझ रहे हो. तो फर्स्ट पोलर बॉडी कहां दिखेगी तुम लोगों को, ये देखो. इसमें मियोसिस वन कंप्लीट हुआ. मियोसिस वन जैसे ही कंप्लीट हुआ, इस ये जो अंदर ब्लू वाला सेल है, इससे दो सेल्स बनने चाहिए थे. दो सेल्स बनने चाहिए तो यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन ये तुम्हें एक ही सेल नजर आ रहा है. दिस इज जस्ट वन न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है, ठीक है. दिस इज जस्ट वन न्यूक्लियस. और दूसरा सेल कहाँ है, दूसरा सेल नजर ही नहीं आ रहा. यहाँ मैं बना रही हूँ साइड में. यहाँ पे साइड में एक और, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, इधर बना देती हूँ. वन मोर सेल विल बी हियर ऑन द साइड. सो इसके दो सेल बनेंगे. देर विल बी वन सेल, दिस कंप्लीट वन सेल, ये जो दिख रहा है ये उसका न्यूक्लियस है. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी. और सेकेंडरी पोलर बॉडी के बाद फर्स्ट, सॉरी दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी ओसाइट. ये पूरा सेकेंडरी ओसाइट है. और ये जो है, ये जो छोटा सा सेल बना है, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी. ये वाली बात समझ में आई है. ये वाली बात समझ में आई है, बोलिए. हाँ जी. आलोक किरंजन दत्ता, क्रैश कोर्स मैं अभी 20 नवंबर से स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, पर मैं एग्जैक्ट डेट आगे पीछे एक दो दिन हो सकती है, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी एक दो दिन के अंदर बेटा. हाँ जी, हो गया. चलिए, बात समझ में आई है कि नहीं आई है. देखो, मैं प्राइमरी ओसाइट हूँ, पहले की बात बता रही हूँ, और मेरे साइड में सिर्फ एक लेयर है ग्रेनुलोजा सेल्स की, तो मैं प्राइमरी फॉलिकल हूँ. अभी प्राइमरी फॉलिकल तो फीटस में ही बन गया, अब ये बच्ची की जन्म हो गया है, फिर बच्ची प्यूबर्टी में गई. आगे आ जाती हूँ, अब मैं प्यूबर्टी में आ चुकी हूँ. मैं प्राइमरी फॉलिकल थी, अब मैं सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई. ये अंदर वाला सेल अभी भी प्राइमरी ओसाइट है, मियोसिस इसमें रुका हुआ है, मियोसिस वन है ना. अब इसके बाहर, मेरे बाहर अभी ग्रेनुलोजा सेल मल्टी लेयर्ड हो गई है ना, और मेरे पास एक और लेयर आ गया थीका, तो अब मैं सेकेंडरी फॉलिकल बन गई हूँ. ये पूरा सेकेंडरी फॉलिकल है, मैं अभी प्राइमरी ओसाइट हूँ सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है. अब मैं यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल बनेगी. टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, मेरे अंदर चेंज आएगा, मेरा मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं दो सेल बन जाऊंगी. आई विल बी टू सेल्स, वन दिस एंड वन अनदर. लेकिन एक सेल डोमिनेंट बनेगा. ये जो सेल डोमिनेंट बन रहा है ये सेकेंडरी ओसाइट है. एक सेल मेरे साइड में छोटा सा बनेगा पोलर बॉडी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी. उसके बाहर वही ग्रेनुलोजा लेयर होएगी और उसके बाहर थिक का लेयर होएगी. समझ में आइए, बोलिए. शंकर, समझ में आया बेटा, अभी बोलो.
अभी समझ में आया है? अभी समझ में आया? दोबारा से समझाऊंगी, नहीं समझ में आएगा तो पहले एक बार प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ओके, सो यहां पे एक छोटा सा सेल साइड में रह गया, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये सेकेंडरी ऊसाइट, सॉरी फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दिस इज सेकेंडरी ऊसाइट। बाहर ग्रेनुलोजा लेयर आपको देखने के लिए मिल रही है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी ऊसाइट है, दिस इज द सेकेंडरी ऊसाइट एंड दिस इज द ग्रेनुलोसा लेयर पूरा, ठीक है, यहां से यहां तक ग्रेनुलोसा लेयर है, ठीक है, और यहां पे ये थीका लेयर है, दिस इज द थीका लेयर। अभी एक और चेंज आ गया है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड हो गया ये, तो मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल यहां पे बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें यहां पे टर्शरी फॉलिकल बना के बताऊंगी, नोटेड। देखो टर्शरी फॉलिकल में बीच में एक सेल आएगा, ठीक है, इस सेल को कहेंगे सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट। एक और सेल आएगा यहां पे जिसको कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, दो सेल बन गए, ठीक है, उसके बाहर यहां पे आ जाएगी ग्रेनुलोसा लेयर, मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा लेयर, लिख दूं ग्रेनुलोसा लेयर, और उसके बाहर आ जाएगी थीका। अब थीका भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक थीका बिल्कुल पास पास अरेंज हो जाएगा इस तरीके से, थीका की डिवीजन हो जाएगी दो में, एक थीका बहुत क्लोज आ जाएगा, इसको बोलेंगे थीका इंटरना, ठीक है, एंड एक थीका जो बाहर रह जाएगा वो थोड़ा दूर दूर रहेगा इस तरीके से, इट विल बी ऐसे दूर दूर रहेगा वो, इसको बोलेंगे थीका एक्सटर्नल, थीका एक्सटर्नल। अब बन गई टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में ना एक और चीज होएगी, जो ग्रेनुलोसा लेयर्स होंगे ना वहां पे एक कैविटी सी बननी लग जाएगी, ग्रेनुलोसा लेयर में एक हल्की सी कैविटी शुरू हो जाएगी बननी, जिसको हम एंट्रम कहते हैं, यहां पे एक छोटी सी कैविटी, खाली कैविटी बननी शुरू हो जाएगी, एंट्रम की शुरुआत हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, पीछे देखो, ये देख रहे हो ग्रेनुलोसा लेयर थोड़ी साइड में हो गई है, यहाँ पे कैविटी से बननी शुरू हो जाएगी, इसको एंट्रम कहते हैं। तो कितने सारे चेंजेस आ गए टर्शरी फॉलिकल बनने में, बहुत सारे चेंजेस आ गए, गिन लूँ कितने चेंजेस आ गए, वन मियोसिस वन कंप्लीट हो गई, पहला चेंज वन, सेकेंड एंट्रम की शुरुआत हो गई टू, थर्ड थीका लेयर ट्रिपल हो गई, मतलब डबल हो गई है तीन, ये सारे चेंजेस आ गए। अब अंत में बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, इतना समझ में आ रहा है बेटा जी? अंत में बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, उसमें क्या होगा? सेकेंड टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनने में अभी क्या चेंजेस आएंगे? देखो ये एक ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या चेंजेस है देखिए, ये आपका सेल है सेकेंडरी ऊसाइट, इसके अंदर मियोसिस टू शुरू हो जाएगी, मियोसिस वन खत्म हो गई, मियोसिस टू शुरू हो जाएगी, मियोसिस टू भी रोक दी जाएगी, भैया इसका काम आसान नहीं है, जितना मियोसिस वन स्मूथली गया था ना, मियोसिस टू इतना स्मूथ, जैसे मियोसिस वन बीच में रुका था ना, वैसे मियोसिस टू भी बीच में रुकेगा, मियोसिस वन प्रोफेज में रुका था, मियोसिस टू थोड़ा और आगे जाके रुकेगा मेटाफेज टू में, तो पहला चेंज तो मियोसिस टू, मियोसिस टू स्टार्टेड
but stopped at metaphase 2. पहला चेंज तो ये आएगा, ठीक है। दूसरा चेंज देखो, इसके बाहर ओवम के बाहर एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाएगी, ब्लू कलर में दिखा रही हूं, एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाएगी ओवम के बाहर, विच इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जोना पेलुसिडा बन जाएगी। उसके बाहर एक, ये देखो, ये एंट्रम बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरी कैविटी ऐसे बड़ी सी एक एंट्रम कैविटी बन जाएगी, बहुत बड़ी। सो वैसे तो एंट्रम जो है वो टर्शरी फॉलिकल का ही फीचर होता है, ठीक है, लेकिन ग्राफिन फॉलिकल में ये और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, सो एंट्रम बन जाएगा। चौथा, ग्रैनुलोजा लेयर्स की एक लेयर यहाँ पे पास में रह जाएगी, इसके एंट्रम बनने के बाद ग्रैनुलोजा की एक लेयर, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स इसके पास रह जाएंगे ऐसे, बाकी में कैविटी, फिर उसके पीछे ग्रैनुलोजा लेयर, इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, ठीक है। और ग्रैनुलोजा लेयर साइड में आ गई, ये सारे चेंजेस आ जाएंगे ग्राफिन फॉलिकल में। सो ये सब मैच्योर फॉलिकल भी इसको कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल भी इसको कहते हैं, इसी से बर्स्ट होके एग रिलीज होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन यहीं से ही होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ। आदित्य सिन्हा, डिफरेंस बिटवीन फॉलिक्यूलोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस इज फॉलिकल्स की फॉर्मेशन डेवलपमेंट, और ओजेनेसिस स्पेशली एग की कैसे डेवलपमेंट चल रही है उसके बीच में। ट्वेल्थ का बैच कब से स्टार्ट होगा, प्लीज रिप्लाई। अरशद हुसैन बेटा, ऑलरेडी प्लस पे मैं ट्वेल्थ के चैप्टर्स करा रही हूँ, ठीक है, साथ साथ में क्रैश कोर्स अलग से है, अलग से भी मैं ट्वेल्थ के चैप्टर्स करा रही हूँ, तो बहुत सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ट्वेल्थ की, आप वहाँ से सीख सकते हैं मुझसे। और क्रैश कोर्स में तो जो जो मुझे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर लगेंगे, चाहे वो प्लस वन का होगा चाहे वो प्लस टू का होगा, तो मैं किसी भी सीरीज में कराती रहूँगी। तो अगर आप क्रैश कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अभी ले लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स शुरू होते ही प्लस वन या प्लस टू कोई भी चल पड़ेगी। साथ में ही सब्सक्रिप्शन अभी लेने का फायदा ये है कि प्लस टू के ऑलरेडी रिकॉर्डेड चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। वेदांत भामरे, ओके बेटा, तो दो तीन दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वेदांत भामरे बेटा, क्योंकि फिर मैं क्रैश कोर्स शुरू करने वाली हूँ अपना, ओके। फॉलिकुलर कैविटी यही होती है बेटा, जो एंट्रम होती है ना, इसी को ही फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं, क्योंकि ये फॉलिकल की कैविटी है, फॉलिकुलर कैविटी, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको लीकर फॉलिकुलाई कहते हैं, ठीक है जी। आई होप ये प्रोसेस अभी तुमको क्लियर है। चलो आओ मैं तुमको एनसीईआरटी से पढ़ा के दिखाती हूँ, तो तुम्हें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, अपा ने कल पढ़ लिया था यहां तक, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं अपा। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। मैच्योर फीमेल गैमेट को ओजेनेसिस कहते हैं बनने को, विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यही बता रही थी मैं कि जो ओजेनेसिस है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेट में ही शुरू हो जाता है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल्स, ओगोनिया को गैमीट मदर सेल भी कहते हैं, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, हर फीटल ओवरी में बन जाते हैं ओगोनियम, है ना, ओगोनियम तो शुरुआत है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, कोई भी ओगोनिया उसके बाद एड नहीं होता, एक बार जितने ओगोनियम आ गए आ गए। कहाँ से आते हैं ओगोनियम, योग सैक से ट्रेवल करके ओवरी में आते हैं, ठीक है, सो जितने आ गए आ गए। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन, यहाँ से माइटोसिस शुरू कर देंगे ओगोनियम, एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। अच्छा, माइटोसिस तो ये बता ही नहीं रहे, पहले माइटोसिस करेंगे, प्राइमरी ओसाइट बनेगा, फिर प्राइमरी ओसाइट मियोसिस शुरू करेगी और प्रोफेज वन पे स्टॉप कर दी जाएगी, एंड गेट्स टेम्परेरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट। जब अरेस्ट हो जाएंगे उसके बाद भी प्राइमरी ओसाइट कहेंगे, है ना। ईच प्राइमरी ओसाइट देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद वो, मैंने वही बताया था, एक ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर से सराउंड हो जाएगा और प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। अब अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट होंगी, इसी को फॉलिकुलर एट्रीजिया कहते हैं। लाखों
फॉलिकल से शुरू करेंगे हम, प्राइमरी फॉलिकल से, और एंड तक आते आते, प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स पर ओवरी रह जाएंगे. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. अब प्यूबर्टी के बाद की कहानी शुरू हो गई. द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोजा सेल. प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चेंज आएगा? ग्रैनुलोजा लेयर की ज्यादा, सेल्स की ज्यादा लेयर बन जाएगी एंड अ न्यू थीक आर फॉर्म्ड एंड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. यही बताया था, नया थीका बन गया, ग्रैनुलोजा लेयर मल्टी लेयर्ड हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल बन गई. अब देखें आगे, सेकेंडरी फॉलिकल के आगे क्या चेंज आ रहा है. द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो गई. अब अपने को टर्शरी फॉलिकल में चेंजेस याद करने हैं. क्या क्या? टर्शरी फॉलिकल में एक तो पहले मियोसिस वन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो अंदर सेकेंडरी ओसाइट बन गया प्राइमरी की जगह. पहली फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, दो सेल्स बने ना, एक छोटा सा पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट बन गया. फिर एंट्रम बन गया है. एंट्रम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्शरी फॉलिकल का. टर्शरी और ग्राफियन दोनों में होता है लेकिन टर्शरी में बनना शुरू हो जाता है, काफ़ी बड़ा बन जाता है टर्शरी में, ठीक है. और क्या चेंजेस हुए? थीका एक्सटर्ना और इंटरना हो गया. थीका की दो लेयर्स बन गई. देखो यही बातें लिखी होंगी. Which is characterized, the secondary follicle soon transforms into tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called the antrum. ये question NEET का भी बन सकता है, board का भी बन सकता है. Antrum कहाँ मिलती है, follicular cavity कहाँ मिलती है? Tertiary follicle में मिलती है और graafian follicle में भी मिलती है, लेकिन characteristic feature tertiary follicle का है क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी. Okay? The theca layer is organized into inner theca and outer theca. तो उसको बोलेंगे theca interna and थीका एक्सटर्ना. ये बात हो चुकी है. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इनटू साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. कितनी इंपॉर्टेंट बात है. मियोसिस वन कंप्लीट हो गया है ना. इट इज एन अनइक्वल डिवीजन क्योंकि दोनों सेल्स इक्वल साइज के नहीं बने हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लोइड सेकेंडरी ओसाइट एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी. क्लियर है ये बात? हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल कराऊंगी आदित्य से ना. आगे बात करें, सेकेंडरी ओसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट. प्राइमरी ओसाइट एक सेल था, उससे दो सेल बने, सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी पोलर बॉडी. सेकेंडरी ओसाइट के पास सारा साइटोप्लाज्म चला गया, प्राइमरी पोलर बॉडी के पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं आया क्योंकि तूने तो डिजेनरेट ही होना है ना, तुझसे आगे जाके ओवम बनेगा, तो पूरा साइटोप्लाज्म हमने इसको दे दिया. वही बता रहा है वो. कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? एडवांटेज यही है कि सेकेंडरी ओसाइट ने ही आगे जाके ओवम बनाना है, फिर उससे में आगे जाके फर्टिलाइजेशन होनी है, उससे आगे जाके बेबी बनना है, तो वही फूड तो चाहिए ना उसको, तो अच्छा खासा फूड होता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म इज रिक्वायर्ड देयर. डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट? बहुत रेयरली डिवाइड करेगी ये, मोस्टली ये डीजनरेट कर जाती है, ठीक है. At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle, अब tertiary follicle में changes बता रहे हैं graafian के लिए. The tertiary follicle further changes into mature follicle. Tertiary follicle mature follicle में change होती है या graafian follicle में change होती है. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. Please ये याद कर लो, it's important for NEET and for boards. Zona pellucida is the क्वेश्चन. कैसे आएगा? विच इज द नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन सराउंडिंग दी ओवम, ठीक है. ओवम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आगे जाके ओवम ही बनेगा ना, अनडेवलप्ड ओवम है ये, और ओवम जब डेवलप भी हो जाता है तो भी उसके अराउंड जोना पेलिसिडा रहती है. सो जोना पेलिसिडा इज द नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन विच सराउंड्स दी ओवम. ओके, द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट. अच्छा, सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होता है जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है पूरा, और सिर्फ सेकेंडरी ओसाइट नहीं, उसके साथ जोना पेलिसिडा भी रिलीज होती है, उसके साथ कोरोना रेडिएटा भी रिलीज होती है, सब कुछ फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन. इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेज बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस? ऑफकोर्स,
क्या डिफरेंस हमारे दिमाग में आता है? पहला, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, ओजेनेसिस फीटल स्टेज में स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चार स्पर्म्स को बनाता है, ओजेनेसिस में एक ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट सिर्फ एक ओवम को बनाता है, बाकी डिजेनरेट हो जाता है कि नहीं? अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये रहा, ये रिप्रेजेंटेशन मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। ये अंदर मेड्यूला है, बाहर कॉर्टेक्स है, ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी से टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। देखो टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम कितनी सुंदर दिखाई हुई है, फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर रहा है, ये ओवम रिलीज हो रहा है। ओवम का मतलब यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। एंड जब ये रप्चर कर जाता है, जो पीछे पार्ट बचता है टूटा फूटा, इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्यों? क्योंकि ये लुट चुका है, कॉर्पस लूटियम लुट चुका है ना, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। क्यों? इसका ओवम निकल गया ना बाहर, तो बचे हुए पार्ट को कॉर्पस लूटियम कह देंगे। आर वी डन? चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। यदि तुम पूरा सिलेबस इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, 50% तुम्हारा नीट का सिरदर्द मैं अपने सर पे ले लूँगी, क्योंकि फिर वो सरदर्द रहेगा नहीं। मैं तुम्हें बायोलॉजी लर्न कराने की कोशिश करूँगी, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक फैक्ट जो भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने के लिए तुम मुझे प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस पे मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ, प्लस तुम्हें इतना बार रिवीजन और प्रैक्टिस कराती हूँ क्वेश्चन से दैट यू बिकम मास्टर्स ऑफ बायोलॉजी। फॉर डूइंग दैट यू यूज दिस कोड, मल्टी बेनिफिशियल कोड है ये, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। 10% मैं आपको ऑफ देती हूँ आपकी फीस पे, आपको मेरे नोट्स मिल जाते हैं, प्लस आपको मेरा क्रैश कोर्स में सीट मिलता है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे, जो भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, जैसे आपकी मर्जी हो। आप अपने करियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप मुझे पता है अच्छे ही डिसीजंस लेंगे अपने लिए, जैसे भी आपको सही लगता है। परंतु यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी लेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। ओके, आई विल सी यू, थैंक यू सो मच। यू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, कोई भी आप मेरी वीडियो मिस ना करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।